काफी महत्वपूर्ण है ये जीत और तैयारियां उत्तराखंड को लेकर भी हरीश जी ने पूरी की थी लेकिन वहां पर कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन कर्नाटक की इस जीत से कितने बड़े संदेश आपके लिए और 2024 की क्या इसी के साथ तैयारी भी होगी हरीश रावत जी? बहुत बहुत बड़े संदेश हैं। इससे संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो ताकतें लड़ रही हैं, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के साथ श्री राहुल गांधी जी ने की थी, उन सबके लिए एक शुभ संदेश है, शुभ संकेत है कि एकजुट होकर के खड़े हो और आप 2024 आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इससे वो सारी ताकतें जो सहिष्णुता की बात करती हैं, सारे देश को साथ लेकर के चलने की बात करती हैं, भारत के गौरव को ऊंचा उठाने की बात करती हैं, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय के लिए संकल्पबद्ध हैं, उन सब के लिए शुभ सूचना है। यदि उनमें से कोई आगे रंग में भंग करने की कोशिश करेगा तो हमें विश्वास है कि लोग उसको भी दंडित करेंगे। बड़े मुद्दे कौन से रहे संकेत दिया कर्नाटक जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी बड़ी जीत वहां पर मिली है? कौन कौन से तीन मुद्दे आपको लगता है जो कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटका में काम कर गए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है बहुत आगे बढ़ गया था। दूसरी बात, जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट मिस्टर 40% गवर्नमेंट हो गई, करप्शन के साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता बन गया। और तीसरी बात, कांग्रेस ने अपने सारे जो कार्ड्स थे वो ठीक तरीके से खेले। हमने जो रणनीति बनाई बिल्कुल पुष्ट तरीके से बनाई, समय पर हमने अपनी अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर किए, अपनी 5 गारंटियाँ भी जिन्होंने एक निर्णायक भूमिका अदा की सोनिया प्रियंका जी के नेतृत्व में, वो गारंटियां भी हमने लोगों तक पहुंचा दी। और सब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी एक बड़े फैक्टर हैं, सामाजिक न्याय की शक्तियां कांग्रेस की तरफ बड़ी तेजी के साथ। सोनिया गांधी का नाम निकल रहा था बीच में, आपने बदल के प्रियंका गांधी कर दिया। और राहुल जी, सोनिया जी ने भी तो वहां प्रचार किया जी। राहुल जी, प्रियंका, मैं वही कह रहा हूँ, राहुल जी और प्रियंका जी का एग्रेसिव कैंपेन और उस पर जो सोनिया जी ने अपना रिश्ता निभाया कर्नाटक के साथ, उन्होंने कहा कि आपने कभी मेरी सास को जिता करके कांग्रेस को ताकत दी थी, कांग्रेस के लिए रास्ता प्रशस्त किया था, आज फिर हम आपके पास आए हैं, आप हमारा रास्ता प्रशस्त करिए, कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करिए। तो ये सब चीजें, सारे फैक्टर पॉजिटिव होते गए और भाजपा के लिए सारे फैक्टर नेगेटिव होते गए। सबसे नेगेटिव प्रधानमंत्री जी का कैंपेन रहा। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से दो मुद्दों पर अपना कैंपेन सेंट्रलाइज कर लिया, एक तो कम्युनल डिवाइड पर और उसको बढ़ाने पर, और दूसरा पर्सनलाइज तरीके से कैंपेन को केंद्रित करने की कोशिश की कि मोदी पर ये, मोदी जी पर वो, मोदी जी पर वो। तो उन सब चीजों को कर्नाटक की जनता ने नकार करके एक स्पष्ट संदेश दिया है, हम अच्छी गवर्नमेंट देंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक।